हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिक्टेटरशिप। ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज डिक्टेटरशिप एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप, राइट। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। तो आज के डिस्कशन में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले वही बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम डिक्टेटरशिप के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप से मतलब क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे फीचर्स क्या है डिक्टेटरशिप। आप कैसे कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट डिक्टेटर है इन नेचर। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। गेटिंग इट? तो अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल में, पहली बार ही मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल। मैं पॉलिटिकल साइंस के ऐसे टॉपिक अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट यू आर गिविंग मी इन माई न्यू चैनल। तो डिस्कस करते हैं डिक्टेटरशिप और इसके फीचर्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, बेसिकली डिफाइन कर देना कि व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप। तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, जिसमें कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, राइट, या तो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन या तो दो चार ग्रुप जो मिलकर हैं, उनका कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है अथॉरिटी पे। जो गवर्नमेंट की कुर्सी है ना, जो सत्ता है, जो पावर है, उसमें उनका कंप्लीट कंट्रोल है। वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कहेंगे गवर्नमेंट में वही डिसीजंस लिए जाएंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी वैसे ही काम करेगा। मतलब लोगों का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर, लोगों की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंप्लीट कंट्रोल ये लोग करते हैं ना अथॉरिटी पे, पावर पे या गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे हो गया। इसको कंप्लीट कंट्रोल ऑब्टेन करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए ये फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी करेंगे, प्रोपोगंडा का भी यूज़ करेंगे। तो एक तरीके से पूरी स्टेट मशीनरी, जैसे पुलिस, डिफेंस, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरी होल स्टेट मशीनरी का यूज़ करते हैं ये लोग कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए। गेटिंग इट? तो समझ में आया कि व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप। भाई जब हम, जैसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन की अहमियत होती है ना, कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं। क्योंकि भाई लोगों ने वोट देकर आपको बिठाया है, तो आप उनके उनके व्यूज़ को कंसीडर करोगे, एक्नॉलेज करोगे, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ सुनना ही नहीं है किसी की। गेटिंग इट? ओके, आप में से, अच्छा बताओ, फैमिली में भी ऐसी चीज़ें होती है ना, हम कहते हैं बड़ा, हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन बड़ी डिक्टेटर इन नेचर है, ज़्यादा हिटलर मत बनो, एक वर्ड यूज़ करते होगे आप सभी लोग, शायद रिलेट कर पाओगे कमेंट में, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से कि हमने लाइफ में कभी ना कभी तो किसी को बोला होगा ये चीज़, चलो चुपचाप ज़्यादा हिटलर मत बनो, बोलते हैं ना। तो कमेंट में कौन कौन आप इस चीज़ से मुझे रिलेट कर पा रहे हो हिटलर वाले कॉन्सेप्ट से। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। तो डिक्टेटरशिप के केस में जब भाई कंप्लीट कंट्रोल है, स्टेट मशीनरी पे पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो क्या यहाँ पे इंडिविजुअल्स के राइट्स होंगे? बट ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके के गवर्नेंस सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, इन्हें या तो लिमिट कर दिया जाएगा कि भाई हाँ एक लेवल तक है, ओके, या तो सप्रेस कर दिया जाएगा कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि भाई जो 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 गवर्न, जो सत्ता में बैठा है, जो अथॉरिटी में लोग बैठे हैं, जिन्होंने कंट्रोल ले रखा है, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल ही नहीं है, क्योंकि पूरी स्टेट मशीनरी उनके फेवर में काम कर रही है। गेटिंग इट? वो मैनिपुलेशन कर लेंगे, वो फोर्स का भी यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया बेसिक मीनिंग। अब डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सिंगल पर्सन होगा उसे कहते हैं डिक्टेटर, वही हिटलर, ज़्यादा हिटलर मत बनो, ओके। एंड दैट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन होल्ड द एब्सोल्यूट पावर,
कोई शेयरिंग ऑफ पावर यहाँ पर नहीं हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन, शेयरिंग ऑफ पावर, ऑटोनॉमी, ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट था यस कि डिक्टेटरशिप ना कई तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। कहीं पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, डिपेंड करेगा कि वो इंडिविजुअल पर्सन कैसा है। ओके, तो जैसे हिटलर, मुसोलिनी, इन सब का भी नाम आपने सुना होगा, स्टालिन का नाम सुना होगा आपने, तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि डिक्टेटरशिप कैसी होगी। क्या थोड़ी बहुत भी लिबरल होगी, जहाँ पर इंडिविजुअल के थोड़े बहुत लिबर्टी राइट्स दिए जाएंगे, या एकदम कंप्लीट सप्रेशन होगा, वायलेंस होगा, या इंडिविजुअल को बिल्कुल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, किसी की भी किलिंग हो जाएगी, किसी की भी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कुछ भी डिसीजंस मतलब हो सकता है। तो इंडिविजुअल जो लीडर होगा या जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे ना, उनका नेचर डिफाइन करेगा कि डिक्टेटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक कितनी इंटेंस है या किस डायरेक्शन में है। गेटिंग इट? बेसिक फीचर्स तो सभी पे प्रेजेंट रहेंगे। अब आते हैं हम मेन फीचर पे। जब भाई मीनिंग हमें समझ में आ गई, मीनिंग क्या थी, जहाँ पे एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ने सत्ता पर, पावर पे कंप्लीट कंट्रोल कर रखा है। एक ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला तो यही कि या तो सिंगल लीडर या ग्रुप ऑफ लीडर के द्वारा कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिलेगा आपको। और हाँ, इस तरीके के गवर्नमेंट सिस्टम में जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ पर भी फुल कंट्रोल रहेगा। ओके, फुल लाइफ में मतलब हो सकता है कि आपको जैसे कि कंपलसरी कर दिया जाए और जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें अपनी सर्विस देना, या पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए आपको कंपेल किया जाए, राइट? तो इस तरीके से सिटीजन्स को कोई फ्रीडम नहीं है, सिटीजन्स के कोई राइट्स नहीं है यहाँ पर। सिटीजन्स की लाइफ पे किसका कंट्रोल हो गया, सिटीजन्स की लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस कौन ले रहा है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट मशीनरी है। कब शादी करनी, कैसे करनी है, क्या एजुकेशन लेनी है, कब तक एजुकेशन लेनी है, कौन सी सर्विसेज ज्वाइन करनी है, या मूवमेंट कैसे होना है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया होगी थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया क्यों होती है, ताकि पब्लिक ओपिनियन या को अपने फेवर में कंस्ट्रक्ट किया जा सके। कि ये मान लीजिए न्यूज़ फैलाई जाए कि भाई गवर्नमेंट ने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है, देश के हित में किया है, देश के लोगों के या देश के नागरिकों के हित में किया है। ओके, तो पब्लिक ओपिनियन और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक जा रही है उस पर भी स्टेट मशीनरी का या उस पर्सन का या ग्रुप ऑफ द पर्सन का फुल कंट्रोल हो जाता है भाई। इसीलिए तो इसके खिलाफ जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम क्या कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट चाहेगी वही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट है, अगर आप इन पॉलिटिकल डिसीजंस का जो स्टेट मशीनरी है उसके डिसीजंस को अपोज करते हो, राइट, उससे डिसएग्री करते हो, तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, सीक्रेट पुलिस को यूज़ किया जा सकता है। आपके घर में कोई सीक्रेटली गया और आप मतलब ओके, उसके बाद का स्टोरी तो आपको बताइए। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, सप्रेशन है ना लोगों के राइट्स का। अब ये क्यों किया जाता है, अगर आप गवर्नमेंट या स्टेट मशीनरीज का को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, तो भाई वो क्यों चाहेगा? अगर ऐसे जनता क्रिटिसाइज़ करने लग जाएगी तो फिर वो अपना कंप्लीट कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश कर पाएगा? तो जो एक दो लोग होंगे क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, ये होगा कि भाई नहीं, इन्हें ही ख़त्म करो, इनका काम तमाम करो, जिससे कि हम जो 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 स्टेट मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है, जो डिक्टेटर है, उसकी क्लीन इमेज बनी रहे। ओके, उसकी क्लीन इमेज बनी रहे। ओके, देन नेक्स्ट, अच्छा, इस तरीके में जो स्टेट मशीनरी में जो कब्जा कर रखा है ना, जिसने गवर्नमेंट या पावर पे कंप्लीट कंट्रोल कर रखा है,
वो अपने एक्शंस को ना जस्टिफाई भी करते हैं कि भाई उन्होंने ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन क्यों लिया, ऐसा काम क्यों किया, अपने एक्शन को जस्टिफाई किया जाता है और उस जस्टिफिकेशन को मीडिया का यूज़ करके प्रमोट किया जाता है, राइट? मीडिया का यूज़ करके अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है कि भाई ये एक्शन हमने इसलिए लिया था, देश हित में लिया था या देश के लोगों के हित में लिया था। ओके, सो कल्ट ऑफ द पर्सनालिटी अराउंड द लीडर, जो लीडर है ना उसकी पर्सनालिटी भी इस तरीके से काम करती है कि उसके एक्शन ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाते हैं। गेटिंग इट? तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट सिस्टम में आप देखोगे कि हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी एंड विथ लिटिल और नो अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। मतलब जो डिसीजंस लिए जाएंगे ना वो बहुत ही हाईली मतलब सेंट्रलाइज्ड होगी, वो पर्टिकुलर डिक्टेटर पर्सन या जो कुछ लोग हैं, फ्यू पीपल्स, वो ही डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पर। और जब वो डिसीजंस लेंगे तो वो जो चाह रहे होंगे, उनका जो प्लान होगा, उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए डिसीजंस लेंगे ना। तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक व्यूज को यहाँ पर कोई रोल नहीं है, एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट है जो स्टेट की इकोनॉमी है, जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, उसमें ओनरशिप किसकी हो जाती है? इन्हीं जो स्टेट ओनरशिप हो जाएगी, राइट? तो यही जो डिक्टेटर होगा या जो कुछ लोग होंगे जो डिक्टेटरशिप को परस्यू कर रहे हैं, वो फुल कंट्रोल कर लेते हैं इकोनॉमी में थ्रू द ओनरशिप ऑफ द स्टेट। कहने को तो कहेंगे कि भाई नहीं, ये स्टेट के कब्जे में है, राज्य के कब्जे में है, लेकिन अल्टीमेटली राज्य किसके कब्जे में है? उस डिक्टेटर पर्सन के कब्जे में है। तो अल्टीमेटली जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जो स्टेट की इकोनॉमी है, वो किसके कब्जे में चली गई? उस डिक्टेटर पर्सन के कब्जे में चली गई ना। ओके, नेक्स्ट है फोकस ऑन द मिलिट्री एक्सपेंशन। अब मिलिट्री एक्सपेंशन में इसलिए रहता है क्योंकि डिक्टेटर को अपनी टेरिटरी को भी एक्सपैंड करना है, राइट? सप्रेशन करना है अदर जो अपोजिशन है, जो क्रिटिक्स हैं, राइट? जो डिसएग्री कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हों, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज के हों, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के क्यों ना हो, या डिफरेंट कंट्री के क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी पीपल्स डिसएग्री करेंगे उनको सपरेशन भी तो करना है, राइट? और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी मिलिट्री की। तो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेगी आपको इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में, कि मिलिट्री एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो पता ही चल गया आपको। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे अपने विचारों को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रमोट किया जाता है, लोगों के बीच में फैलाया जाता है, जिससे कि वो जो एक्शन, जो गवर्नमेंट होगी उसके एक्शन को जस्टिफाई किया जा सके। और एक जो यहाँ पर नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म या नेशनल यूनिटी की बात की जाएगी। और इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनल यूनिटी, उसके पीछे एक प्रोपोगंडा होता है। गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फोर्सेस। वही, और अगर अपना कंट्रोल करना है, इस्टेब्लिश करना है, अपोजिशन या क्रिटिक्स को सप्रेस करना है, तो फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो कुछ ये हमने 7-8 फीचर्स डिस्कस किए, एग्जांपल्स इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो डिक्टेटरशिप रिजीम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसे नाजी गवर्नमेंट अंडर हिटलर, तो दिस केम इनटू द पावर इन 1933 और एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया था टिल 1945 तक। सो जो नाजी रजीम था, बेसिकली ये कैरेक्टराइज्ड हुई थी एक पर्सनालिटी कल्ट जो था हिटलर का, राइट? जो हिटलर की पर्सनालिटी के पर्सनालिटी कल्ट था, उससे डिस्क्राइब हुआ। ओके, तो इसे कर सकते हो। तो इन्होंने भी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई थी, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, प्रोसिक्यूशन किया था पॉलिटिकल अपोनेंट्स का, माइनॉरिटी ग्रुप्स जो थे,
राइट, जो उस क्योंकि पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ कल्चर था, रेस था, उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनको क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पर। इसके बाद से नेक्स्ट एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हो सोवियत यूनियन का अंडर जोसेफ स्टालिन, राइट, यहाँ पर ये जस्ट सेकेंड गाइस, ओके, तो यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो। तो जो स्टालिन है, जब ये दे केम इनटू द पावर सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट में 1920s में और 1953 तक रहे हैं, इस टाइम पे इनकी भी जो पर्सनालिटी कल्ट था दैट वाज रिमार्केबल। और उस समय भी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगी थी, मीडिया का अपने फेवर में यूज़ किया गया, रिप्रेशन किया गया पॉलिटिकल अपोनेंट्स का, राइट। तो इस तरीके से ये एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट और एग्जांपल दे सकते हो क्यूबा का अंडर फिदेल कास्ट्रो। इसके बाद नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दे सकते हो। नॉर्थ कोरिया तो प्रेजेंट में भी आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, पॉलिटिकल अपोजिशन अलाउड नहीं है। फिर सीरिया का एक एग्जांपल दे सकते हो बशर अली अल असद के गवर्नमेंट के उसमें। तो ये कुछ एग्जांपल देकर आप अपने पॉइंट को या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर देना। इतने एग्जांपल मोर देन इनफ है आई थिंक। ओके, देन लास्ट में कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को। ओके, कंक्लूजन। तो ये ऊपर हमने फ्यू एग्जांपल डिस्कस किए जो डिक्टेटरशिप रजीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसे और भी हमारा जो इतिहास है, जो हमारे हिस्ट्री है, फुल ऑफ विद दीज एग्जांपल्स कि डिक्टेटरशिप रजीम्स क्या हैं। तो डिक्टेटरशिप रजीम क्या है, जहाँ पे ह्यूमन जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो सिटीजन राइट्स हैं, उनको अब्यूज़ किया जाएगा, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम देखने को मिलेगी, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। यहाँ पे रूल ऑफ पर्सन चलता है, रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, जो पर्सन कहेगा वही रूल चलेगा। लैक ऑफ फ्री प्रेस रहेगी, राइट, लैक ऑफ फ्री मीडिया, लैक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहेंगे, क्योंकि भाई मैनिपुलेशन करेंगे तभी तो इलेक्शन में आकर बैठेंगे, गवर्नमेंट में आकर बैठेंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी, राइट, सप्रेशन किया जाएगा पॉलिटिकल अपोजिशन का। तो इस तरीके के फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। गेटिंग इट? तो आई होप कि आज का डिस्कशन आप में आपको जो डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप के फीचर्स हैं ये समझ में आए होंगे। So thanks for watching guys, and please like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye, take care.